डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक का डोज लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। हर साल पूरे विश्व में 7 लाख मौत हो रही है, जो 2050 तक 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगी। इसको लेकर WHO चिंतित है और लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। जी हाँ, आज इसी कड़ी में छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल द्वारा गुलाबी गैंग का विस्तार करते हुए गुलाबी युवा वाहिनी में स्वर्णा वर्मा गुलाबी गैंग युवा संघ के बादल भारद्वाज को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में जिले के हर ब्लॉक के गुलाबी गैंग की महिलाओं की उपस्थिति के साथ समीपस्थ बालाघाट जिले से भी निशा पसीने के साथ गुलाबी गैंग की महिलाएं उपस्थित हुई। गुलाबी गैंग की विस्तृत कार्य योजना, भविष्य का विजन, प्रयोजन को लेकर गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल ने हमारे वॉइस ऑफ राइट संवाददाता कृष्ण कुमार भट्ट से सीधी बात की। देखिए गुलाबी गैंग का भविष्य का विजन गुलाबी गैंग की राष्ट्रीय कमांडर व टीम के साथ। संगठन द्वारा 2017 से वर्ल्ड एंटीबायोटिक वीक का आयोजन किया गया है। इसका मेन जो उद्देश्य था कि एंटीबायोटिक जीवाणुरोधी जो मेडिसिन है उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ हो, ताकि चीज़ें समुचित रूप से उसका यूज़ हो, ताकि चीज़ें इसके कारण जो बढ़ रही हो रुके। किस तरह की अवेयरनेस जो दवाइयां रहती हैं उसका चरणबद्ध उपयोग में आना चाहिए, उसे किसी प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा ही लेना चाहिए। किसी भी मरीज को किसी भी बीमारी के लिए अपनी मर्जी से दवाइयों के स्टोर से जाके अपना इलाज नहीं करवाना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसमें ये जागरूकता रहनी चाहिए कि कुछ बीमारियां जो सामान्य रहती हैं, जो कि मौसम के कारण रहती हैं, उसमें जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत नहीं रहती है। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही इतनी रहती है कि जिससे कि हम अपने इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अभी समाज में ये जागरूकता नहीं है। कुछ भी अगर थोड़ी सी भी बीमारी होती है तो उसको इंसान को ये लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, पर हर बीमारी अपना एक समय लेती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि वायरल बीमारी होती है, उसमें कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। अगर बुखार भी आता है तो उसके लिए सिर्फ हम बुखार की पैरासीटामोल देना रिकमेंड करते हैं, और 3 दिन तक ये देखते हैं कि अगर ज़्यादा बुखार नहीं है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी हो जाती है कि 3 दिन बाद वो मनुष्य स्वयं ही स्वस्थ हो जाता है। पर कहीं ना कहीं क्योंकि उसमें इस तरह की पेशेंस नहीं रहती है तो वो स्टोर पे चला जाता है और वो स्टोर वाला उसको कहता है कि अरे तुम बीमार पड़ रहे हो, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। तो बगैर डॉक्टर की सलाह के पर्चे के स्टोर वाला अपनी विवेक से उसको कोई दवाई दे देता है। जिस तरह से स्टोर से दवाइयाँ ली जाती हैं वो उस तरह के अनुपात में नहीं रहती हैं, उस अवधि के लिए नहीं रहती हैं और उस बीमारी के लिए नहीं रहती हैं। तो क्योंकि इस तरह की दवाइयाँ ले ली जाती हैं तो जो जीवाणु रहते हैं उनको पार्शल ठीक होते हैं, पार्शल मरते हैं, बाकी जिंदा रह जाते हैं। तो उसमें उस तरह की दवाइयों से रेजिस्टेंस होने लग जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब ये देख रहा है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। जीवाणुरोधी दवाई जो थी सबसे पहले पेनिसिलिन आई थी 1942 में, जिसका रेजिस्टेंस डेवलप होते होते 20 साल लगे थे। पर आजकल की जो इतनी हायर एंटीबायोटिक्स है उनसे रेजिस्टेंस बहुत जल्दी जल्दी होते जा रहा है, क्योंकि उनकी उपयोगिता हर सामान्य बीमारी में भी करी जा रही है। तो हमें ये जागरूकता लानी है समाज में कि किसी भी तरह की बीमारी में स्वयं से उपचार न करें, स्टोर द्वारा उपचार न लें, और कहीं ना कहीं अपने जो भी बीमारी होती है उसके लिए प्रशिक्षित चिकित्सक से ही मिलकर दवाई लें। एक अध्ययन के अनुसार WHO ने एक अध्ययन किया, उसके अनुसार जीवाणुरोधी की प्रतिरोधक क्षमता के कारण हर साल करीब 7 लाख लोग मरते हैं, और एक अनुमान के अनुसार 2050 तक ये आंकड़ा 1 करोड़ तक जा सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ें कि इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप एंटीबायोटिक के जीवाणुरोधी यूज़ करें एक प्रशिक्षित डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही यूज़ करें, मन से ना लें। धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।